नमस्कार, कमल्स मास्टर किचन में आपका स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ बैंगन की मसालेदार एंड टेस्टी सब्जी, जिसको खाकर मन खुश हो जाएगा। तो चलो इस मज़ेदार रेसिपी को शुरू करते हैं। बैंगन मसाला बनाने के लिए हमने 300 ग्राम ये छोटे बैंगन लिए। इसे हमने धोकर सुखा लिया है। इसे हम इस तरह लेंगे, ये जो ऊपर का इसका जो क्राउन है, ये जो इसका ताज है, ये ऐसे ही रहने देंगे और इसको इस साइड से हम बीच में कट लगाएंगे, देखिए। और इसको लास्ट तक नहीं काटना है, डंडी लगी रहेगी और एक बार इसको घुमा के ऐसे काटेंगे। ऐसे करने से क्या होता है कि अब हम इसको बीच में से देख लेंगे कि कोई इसमें कीड़ा तो नहीं है। और जब हम इसको ऐसे काटते हैं तो इसमें क्या होता है कि सारे मसाले अंदर तक चले जाएंगे। ये इसी तरह हम सारे बैंगनों को काट लेंगे। हमने सारे बैंगन काट लिए हैं, सब में कट लग चुका है। अब हम चलते हैं इनको फ्राई करने के लिए। बैंगन को फ्राई करने के लिए हमने पैन को गर्म करने डाला है, गैस ऑन की है। अब हम इसमें 3-4 टेबलस्पून तेल डालेंगे। ये हमने अब तेल डाल दिया है, तेल गर्म हो गया है। अब हम सारे बैंगन इसके अंदर डाल देंगे। तेल गर्म होने पे हमने सारे बैंगन इसमें डाल दिए थे। अब हम इसमें ऐड करने लगे हैं 1/4 जितना सॉल्ट और इसको हिला देंगे। ये सॉल्ट इसलिए डाला है कि बैंगन थोड़े से नमकीन हो जाएं और इसको बीच बीच में हिलाते रहेंगे ताकि वो सब जगह से एक जैसे फ्राई हो। और इसको फिर से कवर कर देंगे। इसे हम 4-5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे, तब तक ये 50% तक कुक हो जाएंगे। कवर हटाते हैं, ये देखिए ये पक रहे हैं। इनको हम बीच बीच में चारों तरफ से अलट पलट करते रहेंगे और फिर से कवर कर देंगे ताकि तेल की छींटे बाहर ना आए और इसे पकने देंगे। 4-5 मिनट हो गए हैं, अब हमने इसका कवर हटा लिया है। ये देखिए बैंगन 50% पक चुके हैं। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल देंगे। ऐसे करके हम सारे बैंगन निकाल देंगे। हमने सारे बैंगन प्लेट में निकाल ली हैं। बैंगन हल्के फ्राई हो गए हैं। अब ग्रेवी बनाएंगे और उसमें ये बैंगन डालकर पकाएंगे। ग्रेवी बनाने के लिए हमने गैस को ऑन कर दिया है। उस पर सेम पैन हम यूज़ कर रहे हैं और इसमें ऐड कर देंगे 2-3 टेबलस्पून जितना ऑयल। ऑयल गर्म हो गया है, फ्लेम को हम मीडियम पे रखेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 2 तेज़पत्ते, 1 मोटी इलायची और 1 टीस्पून जितना जीरा। जीरा तड़कने लगा है, अब हम इसमें ऐड कर देंगे 2 प्याज मीडियम साइज के जो लिए थे और इसको हमने बारीक काट लिया है। इसको अब हम मिला देंगे। प्याज को हम तब तक भूनेंगे जब तक कि ये गोल्डन कलर के ना हो जाए। बस हमको हाथ चलाना है इसको गोल्डन कलर करने के लिए। इसको हम मीडियम फ्लेम पे गोल्डन करेंगे। प्याज गोल्डन हो गए हैं, अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। फ्लेम को हम लो पे कर देंगे और इसे आधे मिनट तक हम कुक करेंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए और इसका फ्लेवर इसमें आ जाए। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। फ्लेम को हम लो पर ही रहने देंगे। इसमें हम ऐड कर रहे हैं 1/2 टीस्पून हल्दी, 2 टीस्पून हमने डाली है कश्मीरी लाल मिर्च, इससे इसका कलर आता है लेकिन इसमें तीखापन नहीं होता। और 1/2 टीस्पून हमने डाली है लाल मिर्च, इसमें तीखापन होता है। 1 टीस्पून हम डाल रहे हैं जीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला। और अब हम इन सबको मिला देंगे। मसालों को हमें 1-2 मिनट तक के लिए पकाना है। अब हम इसमें मिलाने जा रहे हैं 2 टमाटर की प्यूरी। ये टमाटर मीडियम साइज के थे। अब हम इसमें मिलाने जा रहे हैं नमक स्वाद अनुसार और इसको भी मिला देंगे और इसको
अब हम कवर कर देंगे और इसको हम लो मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे 8 से 10 मिनट तक। टमाटर को अच्छे से पकना चाहिए क्योंकि उसके कारण इसका एक अच्छा टेक्सचर और फ्लेवर आता है। देखिए टमाटर अब हमारे पक चुके हैं, इसमें ऑयल आपको दिख ही रहा है, सेपरेट हो गया है। अब हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं 1.5 टेबल स्पून मूंगफली का पाउडर। ये मूंगफली रोस्ट की हुई है, उसका हमने पाउडर बना लिया है। इसके बाद हम इसको कवर कर देंगे और कुक करेंगे 2 मिनट के लिए ताकि ये सारे अच्छे से पक जाएं और इनका फ्लेवर और भी बढ़िया हो जाए। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी मिला देंगे ताकि जो वो मसाले हैं वो नीचे चिपके नहीं, और इसको मिला देंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे ये जो बैंगन हमने फ्राई करके रखे थे, सारे बैंगन हमने इसमें ऐड कर दिए। और इसमें अब हम ऐड करने जा रहे हैं 1 कप जितना पानी, और इसको अब हम कवर कर देंगे और फ्लेम को मीडियम और लो के बीच में रखेंगे और इसको कुक करेंगे 10 से 15 मिनट के लिए। और बीच बीच में भी हम इसको हिलाते रहेंगे ताकि मसाले नीचे चिपके नहीं, और या जब तक ये बैंगन पक नहीं जाता। कवर हटा के हम देखते हैं, देखिए पहले से ग्रेवी थिक हो रही है और बैंगन भी सॉफ्ट हो रहे हैं। अभी इसमें 3 से 4% तक की कसर है, तो अभी हम फिर से इसे कवर कर देंगे और फ्लेम को स्लो पे डाल देंगे ताकि इसमें मसाले का फ्लेवर और भी अच्छे से आ जाए। कवर हटाते हैं, ग्रेवी थिक हो गई है और अब हम इसमें ऐड कर देंगे ये कटा हुआ हरा धनिया। इसको हम मिक्स कर देंगे। और गैस को अब हम ऑफ कर देंगे। बैंगन मसाला बन के तैयार है। देखने में ये कितना बढ़िया लग रहा है, खाने में कितना टेस्टी होगा, जो कि सिर्फ बेसिक मसाले से ही बना है। तो चलो अब हम इसे सर्व करते हैं। बैंगन मसाला बहुत ही बढ़िया और कलरफुल दिख रहा है। अब साथ में गरम गरम परौंठा या रोटी हो जाए तो क्या कहना। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक एंड शेयर करें। मेरा चैनल अच्छा लगने पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ मैं आपको एक नई रेसिपी के साथ एक नए वीडियो में। टेक केयर, बाय।